हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी सो स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम डायरेक्टली कोई लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पाउडर के अंदर ओके okay? पाउडर या फिर स्मॉल uh, ग्रेन्यूल्स के अंदर उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी तो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि समझो कि आपके पास इस तरह से कोई फीड मटेरियल है कि जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है उसको आप बाय यूजिंग द ड्राई एयर इन दिस स्प्रे ड्राइंग चैम्बर यू मेक द ड्राइंग ऑफ दैट मटेरियल और फिर क्या मिलता है आपको लास्ट में वो मटेरियल का मिलता है पाउडर कि जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला होता है मतलब कि समझो कि पुअर कॉम्प्रेसिबल ड्रग हो या फिर पुअरली कॉम्प्रेसिबल मटेरियल हो तो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी आप एनहांस कर सकते हो फ्लो प्रॉपर्टी इन्हांस कर सकते हो और दूसरे भी काफ़ी पैरामीटर्स जो है उसके काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं सो so, चलो पढ़ते हैं आज के ये लेक्चर के अंदर सो so, फार्मारॉक्स के जो मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है तो आप जो है वो मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं सो ऑन दू विल फाइंड द वेरियस टेस्ट सीरीज फॉर जीपैट नाइपर डी आई एन फार्मासिस्ट एग्जाम यू कैन ऑल्सो फाइंड द विडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल फॉर सेम सो डाउनलोड देंड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर फार्मा एजुकेशनल वीडियोज सो स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले तो स्प्रे ड्राइंग इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ड्राई प्राउडर फ्रॉम ए लिक्विड और स्लरी बाय रैपिडली ड्राइंग विथ ए हॉट गैस मतलब कि उसके अंदर हम हॉट एयर पास करवाते हैं कि जो ड्राइंग चैम्बर होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो यह है ड्राइंग चैम्बर यह है आपका सैंपल और बीच में होता है ये पेरिस्टाल्टिक पंप तो वो पंप क्या करता है आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम के अंदर कि जो सैंपल में रखा हुआ जो भी मटेरियल है जो लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर आपका सस्पेंजन है स्लरी है उसको ये नोज़ल यहाँ पे जो होती है नोज़ल के थ्रू ये ड्राइंग चैम्बर के अंदर वो मटेरियल स्प्रे होता है अब क्या होता है उसके अंदर हॉट एयर भी पास हुई होती है ओके okay, हीटर के थ्रू अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है गर्म हवा की जो इनलेट एयर है वो फिल्टर हो फैन के थ्रू अंदर आती है और यहाँ पे जो हीटर होता है उसके कारण जो एयर है वो काफ़ी हो जाती है हॉट तो हॉट एयर जो है वो अंदर ड्राइंग चैम्बर के अंदर पास होती है और जब हमारा ये लिक्विड मटेरियल उसके अंदर स्प्रे होता है तो वो हॉट एयर के कारण उसका ड्राइंग होता है मतलब कि हमारे जो मटेरियल के अंदर लिक्विड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो हॉट एयर के कारण क्या हो जाएगा इवापोरेट उसका हो जाएगा इवापोरेशन जिसके कारण सिर्फ हमें मिलेगा हमारा पाउडर ड्राई फॉर्म के अंदर अब क्या होता है कि फर्दर वो पाउडर जो है वो आगे अलग अलग ये साइक्लोन है उसमें पास होके आउटलेट गैस में से मटेरियल हमारा सॉरी जो रिमेनिंग एयर है वो वहाँ से सेफली बाहर आ जाती है यहाँ पे बैग फिल्टर भी रखे हुए होते हैं कि जो डस्ट वगैरह होते हैं उसको फिल्टर करते तो इसे सिंपल मेकेनिज्म पे स्प्रे है वो काम करता है सो दिस इज प्रीफर मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ मैनी थर्मो थर्मली सेंसिटिव मटेरियल सच एज फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स की बहुत सारे फूड मटेरियल फार्मास्यूटिकल स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी से जो है वो ड्राई किए जाते हैं जिसकी एग्जाम्पल है फेमस की फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत सारे जो हमने कोप्रोसेस प्रोसेस पढ़े प्रीवियस लेक्चर में वो सभी कोप्रोसेस प्रोसेस जो है वो स्प्रेड रैंग टेक्निक से भी बनाए जा सकते हैं और उसमें से बहुत सारे ऑलरेडी स्प्रेड टेक्निक से बने हुए हैं फिर हम समझो कि फूड की बात करें तो जो आ, फ्रूट जूस के जो पाउडर होते हैं ओके फ्रूट के जूस बनाए जाते हैं और उसका जो पाउडर होता है कि डायरेक्टली आपको उसको पानी में डाल के ही आ, उसका डायरेक्टली आप उसका जो है वो जूस बना सकते हो तो जो ड्राई पाउडर्स आते हैं अलग अलग वो उसके एग्जाम्पल है उसके अलावा मिल्क पाउडर जो मिल्क पाउडर अवेलेबल है मार्केट में वो भी बनाया जाता है बाई यूजिंग स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी सो बहुत सारे बेनिफिट है ये टेक्नोलॉजी के तो स्प्रे ड्राइंग इज द कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीड फ्रॉम ए फ्लूड स्टेट इन ड्राइड पार्टिकुलर फॉर्म बाय स्प्रेइंग द फीड इन द हॉट ड्राइंग मीडियम कि जो हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखा इस तरह से हमारा जो फीड मटेरियल है कि जो समझो कि वो सोल्यूशन भी हो सकता है स्लरी हो सकती है आपका इमल्सन है ऐसा जेल और पेस्ट है एंड प्रोवाइडेड इट इज पंपेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एटोमाइज मतलब कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जिसको आप कर सको पंप पंप से वो मटेरियल को खींच सके प्लस उसका हो सके एटोमाइज एटोबाइज मतलब कि जब हम कोई मटेरियल को स्प्रे करते हैं तो उसके स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर स्प्रे होते हैं कि सिंपल समझो कि कोई एरोजोल टीन है हमारे पास इस तरह से तो ऊपर जो उसकी ये नोजल होती है एक्चुएटर वहां से इस तरह से ये मटेरियल स्प्रे होता है ओके okay? तो सेम लाइक ड्रेट जो हमारा स्प्रे ड्रायर uh, होता है उसके अंदर भी जो नोजल होती है नोजल में से मटेरियल को पंप करके क्या किया जाता है स्प्रे किया जाता है स्प्रे करना मतलब कि दूसरे वर्ड में कहना उसको एटोमाइज करना तो वो मटेरियल फिर जो अंदर ड्राइंग चैम्बर होता है उसके अंदर ड्राई हो जाता है उसके अंदर प्रेजेंट जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है बाय इवापोरेशन ड्यू टू द एयर और स्प्रे इज अ टेक्निक विच एज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द यूनिक पॉसिबिलिटी फॉर पार्टिकल इंजीनियरिंग पार्टिकल इंजीनियरिंग मतलब कि आपको जब स्मॉल uh, पार्टिकल्स चाहिए अलग अलग रेंज uh, के अंदर तो जो नोजल होती है स्प्रे ड्रायर की ओके okay? वो नोज़ल का डायमीटर चेंज करके आप जो है वो अलग अलग पार्टिकल साइज के पाउडर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि आपका जो फीड मटेरियल है उसमें से जो आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा पाउडर तो पाउडर के जो डायमीटर है उसके पार्टिकल साइज़ है वो डिपेंड करेगा ऑन अ नोजल डायमीटर कि आप कौन से डायमीटर की नोजल यूज करते हैं उसके बेसिस पे आपको पाउडर जो है वो मिलता है सो so ये है बेनिफिट ड्राइंग के इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राई एयर इनलेट की जाती है ओके okay. फिर यहाँ पे है आपका ये फीड मटेरियल और फीड मटेरियल को क्या किया जाता है पंप से कि यहाँ पे देख सकते हो पी मतलब कि पंप पंप से यहाँ पे स्प्रे किया जाता है थ्रू नोजल यहाँ पे यह जो देख रहे हो आप ये है नोजल ओके तो नोजल में से वो मटेरियल जो है वो स्प्रे होगा ये जो हमारा है वो पूरा हम कह सकते हैं उसको ड्राइंग चैम्बर ओके तो ड्राइंग चैम्बर के अंदर मटेरियल जो है वो हमारा ड्राई होगा आप क्या करते हैं आगे कंटिन्यूसली यहाँ से ये जो मटेरियल स्प्रे होता जाएगा ये ड्राई एयर है वो गर्म हवा जो है यहाँ पे हीटर होगा तो हीटर के थ्रू वो हवा जो है वो काफ़ी गर्म हो के ये ड्राइंग चैम्बर के अंदर एंटर होगी तो हमारा जो भी ये मटेरियल स्प्रे हो रहा है उसको वो कर देगा कंप्लीटली ड्राई ओके फिर उसको आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो एंड

तो ये खास ध्यान रखना होता है फिर उसके बाद जो पंप होता है उसका फीड रेट ओके कि जो आप मटेरियल के उतने रेट से उसके अंदर फीड करवाते हो और इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ ए स्प्रे ड्रायर सो ड्राइंग चैम्बर प्रोसेस का स्टेप क्या है तो इनलेट एयर वो जाती है हीटर के अंदर फिर आपका ड्राइंग चैम्बर है कलेक्टर है फाइन रिकवरी के सबसे फाइन जो मटेरियल मिलता है उसको भी आप अलग से रिकवर कर सकते हो अलग चैम्बर के अंदर एंड लास्ट में आउटलेट एयर मतलब कि जो हवा अंदर जाती है वो बाहर आना जरूरी है बिकॉज उसके कारण क्या हो अंदर जो है वो प्रेशर प्रॉपर मेंटेन रहेगा प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा ओके okay? बिकॉज समझो कि आउटलेट बंद हो जाता है सिर्फ हवा इनलेट में अंदर जाती रहती है तो क्या हो सकता है ड्राइंग चैम्बर फिर ब्लास्ट हो जाएगा कि जितना अंदर फिर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा उसके कारण जो है वो और ड्राइंग चैम्बर जो बना हुआ होता है आपका मशीन है वो ब्लास्ट हो सकता है सो जरूरी होता है कि जो हवा इनलेट से अंदर जाती है वो ही हवा अच्छे से बाहर आ जाए सो ये काफ़ी आपको ध्यान रखना रहता है और कंटिन्यूसली यही चीज़ जो है उसका करना होता है सुपरविज़न ओके कि जो भी ऑपरेटर है उसको कंटीन्यूसली सुपरविजन करना रहता है कि ड्राइंग चेम्बर के अंदर अच्छे से मटेरियल ड्राई हो रहा है प्लस जो इनलेट हवा जो अंदर एयर हो रही है अंदर एयर हो रही है वो आउटलेट से बाहर निकल रही है या नहीं प्लस जरूरी होता है चेक करना कंटिन्यूसली नोज़ल को कि नोज़ल अच्छे से मटेरियल को स्प्रे कर रही है या नहीं वो ब्लॉक ना हो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं कि चार्ट गिव्स द आउटलाइन प्रोसेस स्टेप्स इन ए स्प्रे ड्राइंग तो जब आपको शॉर्ट नोट पूछी जाएगी स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी तो ये चार्ट भी आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं ये फ्लो चार्ट बनाना काफी जरूरी है सो वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक तो देयर आर थ्री फंडामेंटल स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए स्प्रे ड्राइंग फर्स्ट इज द एटोमाइजेशन ऑफ ए लिक्विड फीड इन टू द फाइन ड्रॉपलेट्स की जो हमने एटोमाइजेशन देखा कि नोजल के थ्रू मटेरियल जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर इस तरह से ड्राइंग चैम्बर के अंदर जो है वो फीड होता है तो इसको हम कहते हैं एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड फीड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स कैसे फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर मटेरियल एटोमाइज होता है उसके बाद मिक्सिंग ऑफ दिस स्प्रेड ड्रॉपलेट्स विथ ए हीटेड गैस स्ट्रीम की जो अंदर हम गर्म हवा को पास करवाते हैं उसके साथ ये ड्रॉपलेट्स जो है वो मिक्स होते हैं एंड अलोविंग द लिक्विड टू इवापोरेट एंड लिव ड्राई सॉलिड तो ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है वॉटर ओके वॉटर प्रेजेंट है या फिर दूसरे वर्ड में कहे तो लिक्विड तो जो लिक्विड है वो हो, क्या हो जाएगा इवापोरेट और सिर्फ बचेंगे ये ड्राइड सॉलिड वो ड्राई सॉलिड जो है वो धीरे धीरे नीचे स्प्रे ड्रायर के कलेक्टर के अंदर कलेक्ट होते जाएंगे ड्राई पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द गैस स्ट्रीम एंड कलेक्टेड अब गैस स्ट्रीम अलग कर दी जाती है और फिर आपको मिलेगा डायरेक्टली ड्राई पाउडर तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ए स्प्रे ड्रायर एंड स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी सो इसी तरह से अलग अलग फ्लो चार्ट से हमारे पास ये भी है कि समझो कि ये आपके पास फीड मटेरियल है ओके okay? तो फीड फ्लो होता है और यहाँ पे देख सकते हो ड्राइंग चैम्बर के अंदर नोजल के थ्रू मटेरियल जो है वो स्प्रे हो रहा है फिर हीटर के थ्रू अंदर जो है वो जो एयर है गर्म हवा हॉट एयर अंदर पास हो रही है तो मटेरियल जैसा अंदर एटोमाइज होता है वो ड्राई होता है बाय मीन्स ऑफ द हॉट एयर की हॉट एयर के कारण वो मटेरियल जो है वो ड्राई होता है उसके अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड है वो हो जाता है इवापोरेट या फिर उसका हो जाता है इवापोरेशन और डायरेक्टली आपको मिलता है सॉलिड रेसिड मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में बचा है वो आप इजीली कलेक्टर में से कलेक्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हो कलेक्टिंग वेसल अवेलेबल होता है बैग फिल्टर होता है एंड एग्जॉस्ट एयर की जो जो हवा यहां से अंदर आ रही है वो हवा बाहर निकलना जरूरी है बिकॉज समझो कि ये एरिया ब्लॉक हो जाए तो मैंने जो आगे समझाया इस तरह से ड्राइंग टेम्परे के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता हो जाएगा गर्म हवा का और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो चैंबर है वो हो जाएगा ब्लास्ट ओके तो ये सेफ्टी के लिए ध्यान रखना जरूरी होता है कि ये जितनी हवा इनलेट से अंदर जा रही है इतनी ही हवा इजीली जो है वो बाहर निकले सो so, इस तरह से लैबोरेटरी के अंदर मिनी स्प्रेड रायर अवेलेबल होते हैं यहां पे आप देख सकते हो कि और डायग्राम को हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ऊपर की ओर ये नोज़ल लगाई हुई होती है ये वाला जो है वो ड्राइंग चैम्बर है ओके जो हमने बैग फिल्टर्स की बात की तो ये फ़िल्टर फिर ये कलेक्टिंग वेसल है तो वहाँ पे भी आपको पाउडर मिलता है प्लस ड्राइंग चैम्बर के अंदर भी हमें नीचे की ओर जो कलेक्टर रखा होता है उसके अंदर भी मटेरियल हमें मिल जाता है फिर ये जो आप पाइप्स देख रहे हो तो वो पाइप क्या करता है आपका जो फीड मटेरियल है उसको यहाँ से पंप करके नोजल की ओर लाके के नोजल जो है वो यहाँ पे अंदर मटेरियल को स्प्रे करेगी तो इस तरह से ये स्प्रे ड्रायर काम करता होता है कि जो लेबोरेटरीज uh, के अंदर अवेलेबल होते हैं सो वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी इन ए फार्मासी सो द स्प्रे ड्राइव प्रोडक्ट कि जो भी हमारा मटेरियल होता है उसका क्या इंप्रूव करता है पार्टिकल साइज उसका एपियरेंस और टेक्स्चर काफी इंप्रूव होता है द स्प्रे ड्राइव टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी कि जो हमने बात की कि अलग अलग फ्लोएबिलिटी रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं सभी अच्छे से इंक्रीज हो जाते हैं कि समझो आप एक्सपेरिमेंट करो कि आपके पास है नॉर्मल फिजिकल मिक्सचर ओके और सेम कंपोजिशन का आप बनाते हो को प्रोसेसिंग एक्सपियेंट दोनों के डेटा कंपेरिजन करोगे तो आपको जो ये को प्रोसेस एक्सीपिय उसके अंदर डेटा जो है वो काफ़ी मिलता है इम्प्रूव वाला कि जिसके दोनों को कंपैरिजन करो तो आपको बल्क डेंसिटी भी काफी अच्छी मिलेगी कॉम्प्रेसिबिलिटी भी अच्छी मिलेगी फ्रॉ प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएंगी एंड ऑल्सो द सॉलिबिलिटी ऑफ वेरियस ड्रग कंपोनेंट एंड फार्मास्यूटिकल इट हैज़ एक्सीपिये वाइड रेंज ऑफ नॉन फार्मास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की नॉन फार्मा के अंदर जो हमने देखा कि आपने कई बार ये, ये यूज किया होगा ऑरेंज टैंग आता है ओके okay? कि जो टैंग पाउडर आता है डायरेक्टली आप उसको पानी में डाल के उसका ज्यूस बनाकर आप पी सकते हैं ओके तो वो भी इस टाइप का ये स्प्रे ड्राइड पाउडर ही होता है फिर आप मिल्क पाउडर यूज़ करते हो ओके तो मिल्क पाउडर भी एक टाइप का ये एप्लीकेशन है स्प्रे ड्राइंग टेक्निक का और जो अलग अलग कोप्रोसेस मल्टी फंक्शनल बने हुए हैं वो भी स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं इट इज़ यूज फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ टैबलेटिंग कंस्टिट्यूंट मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स हम अलग अलग बनाते हैं टैबलेट्स के लिए वैक्सीन के लिए विटामिनस के लिए ब्लड प्रोडक्ट्स एंजाइम, हार्मोन, आलजे येस्ट एक्सट्रैक्ट सभी के लिए ये टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्प्रे ड्राइंग प्लांट्स आर टेलर मेड टू स्यूट प्रोडक्ट टू बी ड्राइड एंड प्रॉपर्टीज डिजायर की जिस तरह से आपको प्रॉपर्टीज चाहिए उसके बेज ऊपर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर अंदर सेट करके अलग अलग नोजल के डायमीटर सेट करके आप जो है वो डिजायर प्रोडक्ट आपको कौन से टाइप की प्रॉपर्टीज चाहिए उसके बेसिस पे आप जो है वो उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं फिर इनकेप्सुलेशन ऑफ ड्रग इन ए वेरियस डोजेस फॉर्म जो हम माइक्रो इनकेप्सुलेशन की बात करते कि जो माइक्रोस्पियर है माइक्रो इनकेप्सुलेशन है वो स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी से भी तैयार किए जाते हैं तो इसके अंदर भी इसके काफ़ी बेनिफिट से फिर रैपिड ड्राइंग फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल कि बहुत ही हाई टेम्परेचर ना हो लो टेम्परेचर से भी आप जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल उसको स्प्रे ड्राइंग टेक्निक से जो है वो ड्राई कर सकते हैं तो ये है बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी सो नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर For test series, contact on 9016312020. Or download their Farmarocks Android application on Google Play. You can also join our WhatsApp group by send your name and city name in WhatsApp it to 9426180836. You can call our WhatsApp us. So thank you friends for watching this video. Share the video. Subscribe channel and press on the bell icon. You can also contact Mr. Rama Raval, owner and founder Farmarocks, the way of success on his WhatsApp number.